वर्ध्यांगी यूपी में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के बावजूद एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। बलिया से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां मुस्लिम बस्ती में रहने वाली एक 14 वर्षीय हिंदू लड़की के साथ में पड़ोस में रहने वाले एक मुस्लिम युवक ने बलात्कार करने के बाद उसका वीडियो बना लिया और वीडियो के आड़ में युवक नाबालिग पर निकाह करने और परिवार सहित मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाने लगा। हद तो तब हो गई जब आरोपी के पिता ने खुद से ही नाबालिग से शादी करने का दबाव बनाए जाने लगा। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने बाप और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। एक पड़ोसी है कहीं नाम का, उसका एक लड़का है गुरु नाम है, आरोप मुसलमानी में क्या नाम हमको नहीं आ रहा है। मुसलमान है? हाँ मुसलमान है भैया। क्या किया उसने? वो मम्मी की खाना देने की गई जो वो घर में झुक गया और कुछ गलत चलत कर दिए और उसके बाद उसके पापे हमको कपड़े मिला तो हम दुकान बंद करके आए उसके पापा को बजाए तो पापा कह रहे थे कि नहीं वो तो बग गया है। मेरे मम्मी पापा नहीं थे, मेरे घर में घुसकर एक लड़का मेरे से जबरदस्ती किया। किस समुदाय का था लड़का वो? वो मुसलमान का था, उसका नाम अब्दुल रहमान है। अच्छा तो क्या किया था उसने? उसने गलत काम किया था। अच्छा उसका वीडियो भी बनाया था? हाँ। 25 जनवरी 2021 को थाना कोतवाली बलिया पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ में घर में घुसकर जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाए गए। इस सूचना पर थाना कोतवाली बलिया पर धारा 452, 376 IPC एवं 3/4/17/18 पॉक्सो अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 की धारा 3 और धारा 5(1) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।